दोस्तों, कई फैक्ट्रियों पर या फिर कुछ गोदामों पर आपने देखा होगा कि एक गोल मशीन लगी होती है और ऐसा लगता है कि यह हवा की स्पीड के हिसाब से घूमती रहती है। दिन हो या रात, जब भी आप इन्हें देखेंगे तो समझ आएगा कि ये लगातार घूमती रहती हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्या होती है, इनका क्या काम होता है? तो आज हम आपको बता रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में ये नहीं लगाया जाए तो क्या होगा और क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि ये मशीन क्या है। दरअसल ये कोई खास हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य पंखा है। पंखा भी ऐसा जिसमें बिजली मोटर का कुछ खास काम नहीं होता है। ये एक तरीके से वेंटिलेशन पंखा है और किसी भी बड़े से बरामदे, गोदाम आदि में वेंटिलेशन के लिए इन्हीं पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए अंदर से हवा बाहर पास होती रहती है और आजकल वेंटिलेशन के लिए इन्हीं पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। ये घरों में लगे रोशनदान या फिर वेंटिलेशन की तरह हैं। ये खास तरह के गोल पंखे हवा पास करने के लिए ही होते हैं। जिन जगहों पर टीन शेड का शेल्टर बना होता है, वहां इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिस फैक्ट्री या गोदाम में अगर टीन शेड लगा होता है तो वहां वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आंधी वगैरह में दिक्कत हो सकती है। इसलिए टीन शेड वाले कंस्ट्रक्शन में इन गोल एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन फैन का इस्तेमाल होता है। ये छत के ऊपर लगने वाले खास वेंटिलेटर्स होते हैं। इन्हें टर्बो वेंटिलेटर या रूफ टॉप वेंटिलेटर भी कहा जाता है। ये काफी धीरे चलते हैं और कारखानों या फैक्ट्रियों के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। जब भी गर्म हवा ऊपर जाती है तो इसके जरिए हवा बाहर निकलती है। ये धीरे धीरे घूमते रहते हैं और इस पंखे में विंग्स अलग तरीके की होती है और हवा के अनुरूप ही साइड बदल कर घूमने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।